मैं तो अभी तो कुछ भी नहीं करता हूँ सर, छोटा मोटा काम करता हूँ, ये दारू का बार्डन वगैरह बिल लाता हूँ, पुस्ता वगैरह बिल लाता हूँ। कोई बोल दे मेरे आपके लड़के का क्या हुआ है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है और क्या फ्लेक्शन अभी हुआ है? 12वीं करके आया सर, और 12वीं के बाद में अभी ये वहाँ एम्स में कॉलेज मिला इसको, तो हम वहाँ पैसे नहीं है, तो अभी देख रहे हैं रास्ता कोई मदद कर देगा तो छोड़ जाएगा, नहीं तो फिर नहीं रहेगा, क्या करो, गरीब आदमी है, कोई पैसे ही नहीं पास में। अभी तक आपकी किस किसने हेल्प करी यहाँ पर? अभी हमारे तो कल्लू डॉक्टर ने हेल्प करी, बुंदेला सेठ ने कर, जो एडीएम साहब था कलेक्टर, उनने भी मदद करी, ऐसे लोगों ने मदद करी, यहाँ तक तो लिया है हमको, पर अब आगे दिक्कत आई ना। तो सबसे पहले तो मम्मी पापा मतलब इतना मेहनत किए, मजदूरी करके, हमेशा मजदूरी करके पढ़ाए हैं, मतलब कि बहुत सारा काम होता था, इतना बहुत बुरी कंडीशन में मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी मजदूरी करके पढ़ाया है, कभी मतलब मना नहीं किए, मतलब कोई बुक लाना हो, पेंसिल लाना हो, बुक लाना हो, कुछ भी हो, हमेशा ही मदद की है। उसके बाद में टीचर्स जो है नवोदय विद्यालय, वो सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो दक्षिणा फाउंडेशन का, क्योंकि वो लोग एम्स नीट की तैयारी करवाए, मोहनिश पबराय सर अमेरिका के बिजनेसमैन, तो वो मतलब फ्री फंड दे के हमको पढ़ाए हैं, उसमें सबसे बड़ा। एट लास्ट मुझे MBBS मिल गया, अब मैं सोचता हूँ कि MBBS में हर टाइम मुझे गोल्ड मेडलिस्ट ही लाना है, और एक डॉक्टर बन के इस एरिया में मुझे मदद करना, क्योंकि इस एरिया में कोई डिग्री वाला डॉक्टर नहीं है, और डिग्री वाला डॉक्टर के पास अगर कोई गरीब आदमी जाता है तो पहली बात जा ही नहीं पाता, और जाता है तो इतना पैसा नहीं लगा पाता।